गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। काफी दिनों बाद आ रहा है और दोस्तों अभी हम आए हैं अबू, माउंट अबू आए हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम अभी होटल ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी तो मॉर्निंग के कुछ 7 बज रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है, तो अभी क्या व्यू अभी सब कुछ आपको दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम होटल लेने आए, यहाँ पे तो ये पता नहीं क्या है, क्या व्यू है हम कौन लोग आए पहले वो दिखा देता हूँ। विमल भाई पैसे रखते नहीं भाई, हिलेगा नहीं, पोज दे के रखा है। अभी हमने जो लेक है हमने वहां से स्टार्टिंग हुआ था, आधा से ज्यादा घूम लिया। और देखो हमारे मेरे पीछे ये पर्वत है और दोस्तों यहाँ पे एकदम साइलेंट, एकदम अभी तो क्या ठंडी है, बरसात जैसा मौसम है तो काफी ज्यादा हवा आ रही है और मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। बाकी व्यू तो भाई पूछो मत, क्या गजब है। पर अभी तो हमने आधा ही घुमाए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे ये दो जन बैठे, मेरा भाई और एक राज, बाकी दो जन तो वहीं कहीं पे है, दूर दूर तक कोई नहीं है, खाली हम लोग। भाई हम यहाँ पे धीमे धीमे पर्वत के और नजदीक पहुंचने वाले और हमारा एंडिंग भी होने वाला है और हम वापस वहीं पे पहुंचने वाले। हो भाई बाकी यहाँ पे भाई आना हो ना थोड़ा, मतलब गर्मी के टाइम पे मत, क्योंकि यहाँ पे घूमना पड़ता है तो थक जाओगे, बाकी ऐसे आना हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी के मौसम में आकर घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि व्यू तो भाई पूछो मत इतना अच्छा लगता है। अभी हम जा रहे हैं एकदम ऊपर टॉप पे, वहाँ पे एक पर्वत है टॉप पे और यहाँ से देखो ये नीचे साइड का है, अभी ऊपर जा रहे हैं और ये रहे हम जो हमारे फ्रेंड है वो तो भाई घूम रहे हैं। अब इसको टॉप पे जाएंगे, उधर से बहुत गजब का व्यू आने वाला है, क्योंकि सबसे टॉप जो ऊंचा है ना ये माउंट आबू का सबसे टॉप पे है, उधर हम अगर पहुंच गए ना उसके बाद आपको व्यू दिखाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे खाली देखो कितना जंगल जंगल है। तो गाइस अभी हम थोड़ा ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ पे अब थकान लग रही है और यहाँ पे खाली देखो कितना जंगल जंगल है। यहाँ पे देखो जामुन जामुन नीचे पड़ा है, यहाँ पे जामुन के बहुत सारे पेड़ है और सब टूट गए, मतलब बरसात हुई होगी हवा चली होगी इसकी वजह से टूट गए। और भाई अभी तो और ऊपर है, देखते अभी कितना ऊपर है। आपको यहाँ की सबसे बेस्ट सीढ़ी दिखाता हूँ, ये देखो ये पता है सीन, पता है कैसा लग रहा है, अपने टेम्पल रन खेलते वैसा सीन लग रहा है भाई। रिस्क है, रिस्क है तो रिस्क है। देखो यहाँ पैर रखे, ओह भाई वाइल्ड लाइफ कर रहे, वाइल्ड लाइफ विद बियर गिल्स। तो फाइनली मुझे दिख रहा है ऊपर, दिखा ऊपर, बस हमको वहां पे ही जाना है, वो एकदम टॉप पे हम पहुंच ही गए हैं, बस कुछ ही कदम दूर है। चल चल चल, माउंट आबू के सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये देखो ऊपर क्या है, ये बड़ा सा पत्थर है, पूरा माउंट आबू दिख जाएगा जो हम। वेट 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 गाइस सी, ये तो थोड़ा नीचे भी, बट वो सामने जो है वो कितना ऊपर है, बट अगर हमने यहाँ से पूरा ऐसा राउंड घूमा, बट राउंड घूमने के बाद अगर यहाँ से ऊपर नहीं तो इतना अच्छा व्यू नहीं मिलता, क्योंकि नीचे नीचे का दिखता है और ऊपर आने के बाद ही पता चलता है क्या सीन है। अभी तो और ऊपर है थोड़ा तो दिख रहा होगा उस लेफ्ट साइड, और वहाँ पे जाना है। तो अब ऊपर पहुँच चुके हैं, देखो वो रहा ऊपर, बस ऊपर ऊपर जाना है, कुछ सीढ़ी बची है। नेशनल जियोग्राफी विद ललित कुमार, न्यूज़ बॉय, ये लोग डिस्कवरी पे आएगा देख लेना शाम को 7:30 बजे 32 तारीख को। फाइनली पहुंच गए, यहाँ पहुंचना है, वो तो निकल गया अभी। सबसे पहले ओ भाई ये क्या है, तो गाइस ये है आबू, दाबी नहीं है, ये है गुजरात का आबू, राजस्थान का आबू, काला क्यों दिख रहा है बे। लोगों ने
तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा आगे गए तो शायद गिर सकते हैं और गिरने के बाद खेल ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर कोई आगे बांध नहीं है, एकदम ओपन ही है, कोई भी आगे गिर सकता है और बहुत ही रिस्की है, लेकिन हमको संभाल कर रहना है। और देखो बहुत ऊपर आ चुके हैं, यहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ा कम है। देखो सामने एक और पहाड़ है और ये पहाड़ देखो बहुत गजब है, ये जो मेढक होता है मेढक की तरह है। देखो तो वैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बादल ही बादल दिख रहे हैं, हम लोग बादल के भी ऊपर गाइस देख सकते हो। अभी हम लोग ऊपर धीरे चढ़ते जा रहे हैं, हम लोग गुरु शिखर जो पर्वत है माउंट आबू का सबसे ऊंचा, वहाँ पर आ चुके हैं और नीचे बस्ती है लेकिन गाइस दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बादल ही बादल है नीचे। अभी गाइस हम आ चुके हैं गुरु शिखर, मतलब टॉप पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा बस यहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगा दी है और उससे आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो मुझे मेरे पीछे देख रहे हो स्मॉग नहीं है, ये पूरे बादल है, मतलब ये इतना ऊपर है ना ये गुरु शिखर, पूरे पीछे जो देख रहे हो पूरे बादल है। और भी आपको सीन दिखाता हूं, आगे का सीन दिखाता हूं। अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर देखते क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए और हम तीन ही लोग आए, जो आए थे पांच लोग तो दो जन तो वो होटल में सो ही रहे, हम खाली तीन जन आए। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का क्या सीन है देखते हो, पार्किंग लगा दी उन्होंने। बाकी भाई जो यहाँ पे अल्टीमेट व्यू है, क्योंकि कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि हम बादल के हम ऊपर आ जाए, बादल हमारे नीचे आ जाए, बादल हमारे लेवल पे आ जाए, हम बादल के एकदम करीब आ जाए, कभी हमने फील नहीं किया था, अब फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है इसका टॉप का, और ये सबसे ऊपर एक और मंदिर है। थाउजेंड 722 मीटर की ऊंचाई पर ये गुरु शिखर की, मतलब ये ऊंचाई है 1722। देखो ये पीछे हम एकदम टॉप पे आ गए और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और यहाँ पे फटाफट बादल के जो है हवा जा रही है, स्नो ऐसा लग रहा है और ठंडी भी वाई पड़ रही है। और यहाँ पे कुछ अभी चार बज गए, चार बजने में 5 मिनट बाकी है और अभी हमने खाना नहीं खाया, नाश्ता किया, तो चलो अब खाना वाना खाते हैं।